सब्सक्राइब कीजिए मास्टर मेकर डे को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू मास्टर मेकर टेक। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल्ली के लड्डू, जो अलग तरह से बनाने वाले हैं। ये सफ़ेद वाले तिल है बारीक, एक बोल ये सफ़ेद तिल ले रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो ज़्यादा भी मीठा ले सकते हो, लेकिन मैंने पौन कटोरी गुड़ लिया है, 2 चम्मच पानी होना छोटे चम्मच से, घी 2 चम्मच और हरी इलायची पाउडर स्वाद अनुसार लेना है, जो भी आपको पसंद हो वो डाल देना है। सबसे पहले तो हम गैस चालू कर देंगे और उस पर एक पैन रखेंगे। उसके बाद हम जो तिल है वो अच्छे से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और थोड़ा सा होने देना है, थोड़ा सा चटकने देना है इसको। ये थोड़े से अलग तरह से लड्डू हम बनाने वाले हैं। ये देखो तिल अच्छे से चटक रहे हैं। अब गैस स्लो कर देना है और तिल को अब निकाल लेना है। एक प्लेट के प्लेट में हम तिल निकाल लेंगे। गैस चालू ही रखना है। अब इसमें डाल देंगे गुड़, जो हमने पौन कटोरी गुड़ लिया था वो डाल देना है। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हो आप इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, ये बड़ा चम्मच है, इसे 1 चम्मच ले रहे हैं, छोटे चम्मच से 2 चम्मच लेना है। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देना है। हमको एकदम ऐसी चाशनी नहीं बनानी है इसकी, सिर्फ गुड़ पिघला कर लेना है। देखो थोड़ा गैस का पावर बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल अलग तरह के लड्डू है, आप कैसे भी बनाओ अच्छे बन जाएंगे, कड़क तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, अच्छे खस्ता बनेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है, थोड़ी सी गुटलियाँ और निकाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने घी लिया था वो डाल देंगे 2 चम्मच। इससे हमारे लड्डू बिल्कुल खस्ता बनेंगे, कड़क बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसलिए हम इसमें अब घी डाल दे रहे हैं। इसको घुमाते रहना है एक साथ। देखो गुड़ पूरा पिघल गया है। अब इसमें इसी स्टेज पर डाल देना है अब तिल। ये देखो ऐसे जब ऊपर से अच्छे से गुड़गुड़े आ जाएंगे इस पे, अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे तिल। गुड़ की चाशनी बिल्कुल भी बनानी नहीं है, जल्दी से इसको अच्छे से घुमा लेना है। गैस बंद कर देना है। अब इसको एक साथ ऐसे घुमा लेना अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि इसमें तिल कम हो गए तो आप थोड़े से डाल सकते हो उस पर। ये प्लेट में ऐसे घी लगा लेना है छोटे से प्लेट में।
यही एक टिप्स है जो अच्छे से लड्डू बनेंगे और हाथ भी नहीं जलेंगे, गरम गरम लड्डू बनाएंगे तो भी। इसको एक बार ऐसे डाल के देखना है, अगर आपको चेक करना हो कैसे लड्डू बनाने हैं, एक बार ऐसे डाल कर लेना है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है। जो हमने पानी लिया था वो एक बाउल में डाल कर ले लेंगे। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हाथ में ऐसा पानी लेंगे और इसको ऐसे बना कर देख लेंगे। थोड़ा सा गर्म है ये देखो, ऐसे बना कर देखेंगे। अगर ये अच्छे से बन गया है तभी गैस बंद कर देंगे। हमने पहले से गैस बंद कर दिया है। अब इसको ऐसे एक एक करके गोले डाल देंगे, बाद में इसके लड्डू बनाएंगे। ये इलायची पाउडर है, हरी इलायची पाउडर, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो प्लेट में हमने घी लगाया था वो प्लेट लेंगे और इसमें थोड़े थोड़े लड्डू के साइज के गोले डाल देंगे ठंडा होने के लिए। ये जो है वो बाजू में निकाल देंगे। ये देखो अच्छे से जम रहा है ये। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बाद इसको ऐसे हाथ गीला करके लेना है, ऐसे कटोरी में पानी लेना है, पूरे हाथ को गीला कर देना है और इसको ऐसे थोड़ा 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 सा गोल कर लेना है। गर्म रहता है इसलिए ठंडा पानी का हाथ लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही लेना है वाटर। और इसको ऐसे थोड़ा सा गोल गोल शेप दे देना है, थोड़ा सा गर्म ही है ये। और इसको ऐसे बाजू में रख देने का, इसमें बाद में इसको और अच्छे से साइज में ला सकते हैं अपन। थोड़ा सा गर्म है इसलिए इसको बाजू में ऐसे रख देंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसको भी ये देखो थोड़ा सावधानी से करना होता है, गर्म है ये देखो, ऐसे करके लेना है। अब हम बाकी के लड्डू बना लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से गोल साइज में कर लेना है और जो हमने जो प्लेट में रखे हैं वो ये चम्मच से बनाए हैं, ये चम्मच की सहायता से बनाए। इसमें इस दबा कर डाल दिया है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और ऐसे निकाल लिया है। देखो कितने अच्छे से दिख रहा है। अगर आपको जो साइज में पसंद हो आप साइज में आप बना सकते हो। ये देखो ऐसे दबाकर इसमें डाल देना है चम्मच में, थोड़ा सा घी लगा है पहले से, और इसमें ऐसे निकाल लेना है प्लेट में। कितने अच्छे से बन गए। बाकी हम गोल साइज में बना लेंगे। ये देखो बहुत अच्छे से बन गए।
इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है, बहुत देर तक खुला नहीं रखना है, नहीं तो बहुत कड़क आ जाएंगे ये। ये देखो ठंडा होने के बाद ऐसे बिल्कुल हाथ से जल से टूट जाते हैं, ये देखो एकदम ऐसे मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बन जाते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।